हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन राजभर में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का 13.6 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है तो इसके बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। क्या दिया गया, पूछा गया धातु की सीट की आवश्यकता होगी। दिया गया ऊंचाई 1 मीटर है तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया गया 1 मीटर और उसकी धारिता दिया गया है, लिखेंगे धारिता, धारिता बराबर दिया गया 15.4 लीटर दिया गया है। ये 15.4 लीटर दिया गया, इसका क्या पूछा गया, सबसे पहले धारिता को हम बताएंगे आयतन, जब हम आयतन में बदलेंगे तो हमको याद होना चाहिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 क्या होता है, लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पर है 15.4, इसको बदल देंगे मीटर क्यूब में तो जाएगा बटे 1000, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका पूछा सीट क्या, कितने सीट की आवश्यकता होगी, तो हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, लिखेंगे इधर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15.4 बटे का 1000। अब हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे त्रिज्या नहीं पता तो हमको क्या निकालना होगा, यहाँ से त्रिज्या निकालना होगा। जब त्रिज्या निकालना होगा चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू हमको क्या रखना है, पाई का वैल्यू हमको 22/7 रखना है। तो रखेंगे सबसे पहले ध्यान देखिए इकाई दहाई पर अगर देखें दसमलव को हटाना तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 154 बटे का 10000। इधर हो जाएगा पाई मान 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर हमको पता नहीं है और एच मुझे पता है, एच बराबर कितना 1 मीटर है, यहाँ पर रखेंगे 1। अब देखिए इसका गुणा करेंगे इधर चला जाएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे का 7 बटे का 10000 22/22। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो देखिए 22/7 154 होता है, 22/7 अगर 22 से हम लोग डिवाइड करेंगे 154 में तो आएगा 7, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7/49 49/10000। 10000 का वर्ग कितना, 100 का वर्ग 10000 होता है, यहाँ से आर बराबर निकल के आएगा, यहाँ से आर बराबर निकल के आएगा अपने पास, आर बराबर आ जाएगा 7/100, 7/100 निकल के आ गया। जब 7/100 यहाँ से निकल के आ गया है, 7/100 हमारे पास निकल के आया, तब इसको क्या बदलना है, जब 100 से डिवाइड करोगे 7 में आ जाएगा आर बराबर 0.07 मीटर स्क्वायर, 0.07 मीटर स्क्वायर जो निकल के आया, ये हमारा क्या पूछा गया था, वर्ग धातु की सीट की आवश्यकता होगी, तो 0.07 मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर यही हमारा आंसर आया है। अब हम लोग देखेंगे आगे वाला, देखते हैं दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बोला गया बेलनाकार बनाया गया है, अब बीच में बोला गया वो पेंसिल का टुकड़ा लगाया गया है, बोला ठोस बेलन बनाकर पेंसिल का व्यास, इधर मान लो पेंसिल का हमको यही ज्ञात करना है अंदर का हिस्सा, यही सब। अब सब इसका व्यास दिया गया है, शीशे की एक पेंसिल है यहाँ से लेके यहाँ तक, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। पेंसिल का व्यास यहाँ लिखी, पेंसिल का व्यास कितना दिया गया है, 7 मिलीमीटर mm में। जब 7 हो जाएगा इसका, जब आर बराबर निकालेंगे 7/2 मिलीमीटर,
ये पेंसिल का व्यास निकल के आ गया, और जो ग्रेफाइट का व्यास दिया लकड़ी का आयतन, दोनों के पेंसिल की लंबाई भी कितनी दी गई है, लंबाई बराबर एच, एच बराबर टोटल दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले 14 सेंटीमीटर को मिलीमीटर जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 140 मिलीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का भी व्यास दिया गया है 1 मिलीमीटर दिया गया, इसका व्यास 1 मिलीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 1/2 मिलीमीटर आ जाएगा। अब ग्रेफाइट की भी लंबाई कितनी है, एच बराबर इसका भी है 140 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन किसमें निकालेंगे हम लोग, ग्रेफाइट का आयतन ऐसे निकाल, ग्रेफाइट का आयतन हमारे पास पता होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको पता है, ग्रेफाइट का भी आर यहाँ से निकलता है 1/2 गुणे एच, एच बराबर हमारे पास 140 पता है, तो 2 से अगर काटेंगे इसको 7 × 2 = 14 20 आ गया, अगर 2 से इसको काटेंगे 2 × 10 = 20 10 आ जाएगा, जब हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 220 कहीं 220 सॉरी यहाँ पे 1/2 और रहेगा, मल्टीप्लाई हम 1/2 का और यहाँ पर करेंगे तो 2×5 = 10 हो जाएगा, 22×5 कितना होता है 110 मीटर क्यूब आ गया, 110 मीटर क्यूब किसका आ गया, ग्रेफाइट का आयतन आ गया। अब हमको निकालना है पेंसिल का, हमको नेक्स्ट में पूछेगा लकड़ी का आयतन निकालना, तो लिखेंगे यहाँ पर लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। अब क्या होता है, पेंसिल का आयतन अभी हमको पता नहीं है, टोटल हमको पेंसिल का आयतन अभी पता नहीं, लिखेंगे तब पाई आर स्क्वायर एच माइनस ग्रेफाइट का आयतन, अगर देखो तो 110 आया अभी अभी 110 मीटर क्यूब में, ये तो पेंसिल का निकल गया है और ये हमको अभी पता निकाल, हमको निकालना है मिलीमीटर। अब पाई कोई लोगों को पता है कितना, 22/7, अब यहाँ सॉल्व करेंगे 22/7 गुड़े आर बराबर कितना पता है पेंसिल का, 7/2 गुड़े 7/2 एच बराबर तो 140 रहेगा इसका भी, माइनस का 110। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से अगर इसको काटेंगे 70 हो जाएगा, और अगर फिर दोबारा अगर भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 11, यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ तो टोटल क्या हो गया 11 × 7 = 77, 77 × 70 7 × 7 = 49, 9 × 4 = 7 × 4 = 4 कितना होता है 53 आ गया, तो आ गया यहाँ से 5390, ये तो इसका आ गया है। अब माइनस के क्या करेंगे, माइनस का 110, अब हम इसमें से क्या करेंगे 110 घटाएंगे, 110 इसमें से घटाएंगे तो क्या निकलेगा, लकड़ी का आयतन का आंसर निकलेगा, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं 110 घटा देते हैं, 5280 क्यूब, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर